तो दोस्तों, आपको कभी भी वीडियो आपको YouTube से अपलोड नहीं करना है दोस्तों, वीडियो आपको क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करना है। तो दोस्तों, जैसे हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, और दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अपना YouTube ओपन कर लेना है। YouTube ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पे एक तीर मिल रहा है आपको अपलोड का ऑप्शन, तो इस तीर वाले पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक होने जाने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट फाइल पे हम चले जाएंगे। यहाँ से अपना जो है फाइल ओपन कर लेंगे, और यहाँ से अपनी वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक वीडियो है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो इस वीडियो को जिसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक काम करना है, थंबनेल पहले बनाकर रख लेना है, क्योंकि यहीं पे हमको पूरा काम करना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हमको यहाँ पे टाइटल डालना है। तो दोस्तों, टाइटल कैसे डालना है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, यहाँ से वीडियो हमारी अपलोड हो रही है। अब यहाँ हम क्या करना है, यहाँ से हम बीच से इसको कट कर देंगे, और कट करने के बाद जाएंगे अपने यूट्यूब पे, और यहाँ से हमको टाइटल और कीवर्ड टैग ये सब सर्च करना है। तो दोस्तों, यूट्यूब पे जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे आपने सर्च किया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत से टाइटल आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ये टाइटल ले लेते हैं, और एक ये टाइटल ले लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों, ये दो टाइटल उठा के अपना टाइटल बना लेना है। बाकी दोस्तों, जो ये नीचे है ये सब, इसको हमें टैग बनाकर लगाना है। तो दोस्तों, इसका हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से हम चले जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र के जाने के बाद यहाँ पे हम जो स्क्रीनशॉट लिया था उसी का यहाँ पे लिख देते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं दोस्तों, इसी प्रकार के। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप जो वीडियो में बताए हैं, वीडियो के बारे में लिख सकते हैं कि दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने हैं। इसे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत से सारे चीज़ लिखना है। इसके बाद लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो ये सब चीज़ का यहाँ पर लिंक दे दीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको थंबनेल लगा लेना है। यहाँ देखिए, अपलोड थंबनेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से थंबनेल लगा लेने के बाद दोस्तों, आपको आपको थोड़ा नीचे जाना है। अब यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं टैग। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको टैग लगाना है। तो दोस्तों, टैग लगाने के लिए यहाँ पे वही जो हमने बताया था, स्क्रीनशॉट जो लिया है उसी स्क्रीनशॉट को हम यहाँ से ओपन करेंगे। यह स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये सब चीज़ें यहाँ से जितना है सब हम इसका टैग लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ से हम फिर इसको ओपन करते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं टैग कैसे बढ़ाएं। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं दोस्तों, इससे से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें कि जितना है सब पूरा इसे टैग बनाकर सब यहां से टैग लगा देना है। अब टैग लगाने के बाद दोस्तों, यहां पे सबसे आप नीचे जाइए, तो यहां पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। यहां से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, क्योंकि हमारी जो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर हमको ये एड एन इंड स्क्रीन और एड कार्ड में वीडियो एड करना रहता है। जैसे मान लिया हमारा वीडियो कोई देख रहा है, अब वीडियो जब देखेगा हमारी, तो जो हम वीडियो अपना एड कार्ड में लगाएंगे, तो उसको ऊपर जब हमारी वीडियो ख़त्म होगी लास्ट में, तो हमारी जो वीडियो है वो दिख जाएगी। अगर जो हमारी पहली वीडियो पसंद पड़ती है, तो दूसरी वीडियो को भी वो देख सकता है।
तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा वीडियो वॉच टाइम भी बढ़ता है। तो दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं, वीडियो अपलोड हो जाने देते हैं, फिर यहाँ पे हम एड कार्ड और एंड स्क्रीन कार्ड भी लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो पूरा अपलोड हो जाने के बाद हमको एड एंड एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है और नीचे फिर एड कार्ड का मिलता है। यहाँ पे हम दो वीडियो लगा सकते हैं। तो चलिए एड एंड एंड स्क्रीन में वीडियो अपना लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, जैसे आपकी वीडियो लास्ट में बचती है, थोड़ी सी लास्ट वीडियो में, इससे आपके स्क्रीन पे आ जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम एक वीडियो और अपना चैनल लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब यहाँ एड कार्ड में भी वीडियो एड करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने एक वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से सेव कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अपलोड कर देने के बाद अब इस वीडियो को किसी को शेयर नहीं करना है। अगर शेयर करोगे, जैसे मान लिया आपका फ्रेंड है और यूट्यूब से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हो, उसको शेयर करोगे, वो यूट्यूब पे काम नहीं करता है, कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। वो उसको क्लिक करेगा, देखेगा यार इसमें क्या बोल रहा है, इसको कट कर दो। तो वहाँ से आपका जो ऑडियंस है, रिटेंशन हो आपका कम होगा, वीडियो वायरल नहीं होगी। तो वीडियो किसी को शेयर मत करिए। अब वीडियो अपलोड कर जाने के बाद आपके पास अगर जो दूसरा फ़ोन है या आपके दोस्त के पास फ़ोन है, उसका फ़ोन लीजिए और अपने जो टाइटल डाला है वीडियो में, उस टाइटल को आप वहाँ पे सर्च करिए। जब सर्च करेंगे आप टाइटल, तो आपने वीडियो तुरंत अपलोड किया है तो आपकी वीडियो सबसे नीचे जाएगी। सर्च करके नीचे जाइए, जहाँ पे आपकी वीडियो दिखे वहाँ से वीडियो को चलाइए। ऐसे आप जितनी बार कर सकते हैं, बार बार सर्च करके अपनी वीडियो को चलाते रहिए। इससे आपकी वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी, आपकी वीडियो सर्च में आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं, उसमें व्यूज नहीं आता है, लेकिन अगर जो सर्चेबल वीडियो है तो कभी कभी आप देख ले सकते हो, वीडियो 4 महीना 5 महीना बनाकर हो जाता है अपलोड करने के बाद, 4-5 महीने बाद व्यूज आना स्टार्ट करता है। डेली 100 व्यूज 200 व्यूज फिर 1000 व्यूज, ऐसे ऐसे लाख व्यूज में वीडियो पहुँच जाती है जो सर्चेबल वीडियो होती है।